अगर आप अपने घर में, रूम में या हॉल में एक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, 15,000 रुपये के आसपास आपका बजट है और बेस्ट ऑप्शन सर्च कर रहे हैं आप, सो इस वीडियो को आराम से देखते रहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित पिरथियानी एंड वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर लेजी टेक। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फाइव बेस्ट साउंड बार्स जो कि आप 10,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये के बीच में कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट में बिल्कुल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है वो। और साथ ही में ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स में आपको बिल्कुल सब चीज़ें बेस्ट ही मिलेंगी, कुछ ना कुछ आपको ड्रॉबैक्स हल्के फुल्के आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। सो इस वीडियो में हम प्रोज और कॉन्स दोनों की ही बात करेंगे। वीडियो के एंड में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बजट के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। और साथ ही मैं कौन सा साउंड बार यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, भले उसका थोड़ा बहुत बजट कम है बट बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कमिंग टू द फर्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव द ज़ेब्रोनिक ज़ेब ज्यूब बार 9400 प्रो एंड इसका प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज ऑनली। एंड इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा 5.1 चैनल्स जो कि आपको मैसिव 525 वॉट्स का साउंड आउटपुट प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें से आपको 225 वॉट्स का साउंड बार में आउटपुट मिलेगा, 150 वॉट्स का आपको सब वूफर में आउटपुट मिलेगा एंड 75 वॉट्स के आपको दो छोटे सैटेलाइट्स दिए गए हैं। सो ओवरऑल आपको 525 वॉट्स का मैसिव साउंड आउटपुट प्रोवाइड कर देंगे जो कि आपके लिए बड़े हॉल के लिए मोर देन एनफ है। आपको अच्छी खासी लाउडनेस के साथ परफेक्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस और बेस एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। एंड अगर हम कनेक्टिविटीज की बात करेंगे, इसमें आपको सारी टाइप की कनेक्टिविटीज मिल जाएंगी, लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स, यूएसबी, ऑप्टिकल, एचडीएमआई, एआरसी कनेक्टिविटी, सारी टाइप की पॉसिबल कनेक्टिविटीज दी गई है। कनेक्टिविटी में ऐसा कोई इशू नहीं दिया गया है। और साथ ही में प्लस पॉइंट यह है कि इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का भी सपोर्ट मिल जाएगा जो कि आपको बिल्कुल थिएटर लाइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। ये तो बात हो गई इसकी प्रोस की। अगर हम बात करेंगे इसके कॉन्स की, जो मुझे पर्टिकुलरली थोड़ा बहुत ड्रॉबैक लगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूवीज देख रहे हैं, अगर आप लो वॉल्यूम पर मूवीज देख रहे हैं, तो जो डायलॉग डिलीवरी है, जो डायलॉग की स्पीचेस है, वो आपको हो सकता है इतनी क्लैरिटी के साथ सुनाई नहीं दे। बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो ओवरपावर करता है डायलॉग्स को लो वॉल्यूम्स पे। बट अगर आप मीडियम लेवल पे या हाई लेवल पे भी म्यूजिक एक्सपीरियंस या मूवीज देख रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ऐसे कोई इशू नहीं लगेगा। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस था साउंड बार को लेके। और साथ ही में जो उसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको लैग फील हो हल्का फुल्का, बट ये हर जगह लैग फील नहीं होगा, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व हो थोड़ा बहुत लैग ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू। सो ये थोड़ा बहुत इशूज थे जो कि मैंने आपको बताया, पर्सनली मैंने फील किए साउंड बार को लेके। बट अगर 15,000 रुपये का बजट देखेंगे और सारे के सारे इसके स्पेसिफिकेशंस और ओवरऑल एक्सपीरियंस देखेंगे, ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है, इसको भी आप डेफिनेटली कंसीडरेशन में रख सकते हैं। कमिंग टू द सेकंड ऑन द लिस्ट वी हैव द JBL सिनेबार SB261 एंड इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपीज। ये हमारी लिस्ट में जितने मैं आपको पांच साउंड बार बताने वाला हूँ, सबसे कम प्राइसिंग वाला साउंड बार है। एंड इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा 2.1 चैनल्स जो कि आपको ओवरऑल 220 वॉट्स का अच्छा खासा लाउडनेस के साथ साउंड आउटपुट प्रोवाइड कर देंगे जो कि आपके लिए एक बड़े हॉल के लिए, बड़े रूम के लिए मोर देन इनफ है। एंड अगर हम बात करेंगे इसकी कनेक्टिविटीज ऑप्शंस की, सो इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, HDMI, ऑप्टिकल एंड USB कनेक्टिविटी। इसमें आपको ऑक्स कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से एक ड्रॉबैक है। ये एक ड्रॉबैक इसमें आपको मिल जाएगा, ऑक्स तो देना ही चाहिए था, इतने सारे आपने कनेक्टिविटीज ऑप्शन दे दिए, 13,000 रुपये के प्राइसिंग में आपने ऑक्स नहीं दिया, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा मुझे पर्टिकुलरली। एंड प्लस पॉइंट इसमें यह है कि इसमें आपको वायरलेस सबवूफर का ऑप्शन मिल जाएगा। वायरलेस सबवूफर आप अपने हिसाब से कहीं भी प्रॉपर तरीके से प्लेस करके बेस्ट बेस इफेक्ट ले सकते हैं। और प्रोस की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी की, सो इसमें आपको अच्छी खासी क्लैरिटी के साथ साउंड म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आप लो वॉल्यूम पर भी सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी काफी हद तक इंप्रेसिव मिल जाएगी। म्यूजिक को लेके, बेस को लेके ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको मीन्स खराब नहीं मिलने वाला है, आपको अच्छा खासा प्रॉपर परफेक्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा म्यूजिक और बेस को लेके। एक और बात मैं आपको एड ऑन करना चाहूंगा, अगर आपको परफेक्ट बेस चाहिए आपके साउंड बार के थ्रू, अगर आप साउंड बार को कहीं भी प्लेस करें, बट जो सबवूफर है उसको आप हमेशा जमीन पे ही रखिएगा, कोने में कहीं पे, ताकि आपको बेस्ट बेस इफेक्ट मिल जाएगा। जमीन पे रखने से आपको प्रॉपर बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे साउंड बार के थ्रू। सो ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है अगर आपको एक 13,000 रुपये के आसपास एक JBL ब्रांडिंग का साउंड बार चाहिए। यू कैन डेफिनेटली कंसिडर द JBL सिनेबार SB261 एट दिस प्राइस रेंज। और जितने ही मैं आपको साउंड बार बता रहा हूँ, मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट करके चेक भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑन द लिस्ट, बट लिस्ट के यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं और आपने लाइक नहीं किया, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लाइक तो कर ही देंगे, थैंक यू। बात करेंगे लिस्ट पे थर्ड नंबर पे, दिस इज द वन विच आई पर्सनली रिकमेंड, दैट इज द सोनी
HTS20R एंड इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़। अगर आपको एक सोनी ब्रांडिंग का बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, इसमें आपको 5.1 चैनल्स मिलेंगे जो कि आपको मैसिव 400 वॉट्स का साउंड प्रोवाइड कर देंगे। अच्छी खासी बहुत ज़्यादा लाउडनेस दी गई है, बेस भी अच्छा खासा पावरफुल दिया गया है, बहुत ओवर पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है कि बिल्कुल हाँ आपको बहुत ज़्यादा ओवर बूस्टेड बेस का इफेक्ट्स लगे, बट आपको अच्छा खासा बैलेंस बेस का इफेक्ट मिल जाएगा जो कि म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको काफ़ी हद तक एनहेंस प्रोवाइड कर देगा। एंड इसमें भी आपको डॉल्बी का सपोर्ट मिल जाएगा, डॉल्बी डिजिटल प्लस का, जिसमें आपको बिल्कुल रियल सराउंड इफेक्ट मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर सराउंडिंग इफेक्ट चाहिए आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस और मूवीज देखते टाइम, इसको आप डेफिनेटली कंसीडरेशन में रख सकते हैं। और एक बार आप ध्यान में रखिए, जितनी मैं आपको साउंड बार बता रहा हूँ हमारे लिस्ट में, सब में आपको डॉल्बी एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा। एंड साथ ही में अगर हम बात करेंगे इसके कनेक्टिविटीज ऑप्शंस की, इसमें आपको सारी टाइप की पॉसिबल कनेक्टिविटीज मिल जाएंगी, लाइक ब्लूटूथ, ऑक्स, HDMI, ARC, ऑप्टिकल एंड एनालॉग इनपुट, सारे के सारे पॉसिबल कनेक्टिविटीज मिल जाएंगी। ओवरऑल अगर आपको एक सोनी ब्रांडिंग की तरह बिल्कुल पावरफुल और अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए, डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चाहिए, ओवरऑल 3D एक्सपीरियंस चाहिए आपको सराउंडिंग इफेक्ट में, इसको डेफिनेटली कंसीडर रख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके कॉन्स की, तो सारी इसकी बढ़िया तारीफों की बात, अगर हम बात करेंगे इसके कॉन्स की, तो मुझे यार इसमें एक पर्टिकुलरली कॉन ये लगा कि इसमें आपको वायरलेस का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ना ही वायरलेस सबवूफर दिया गया है, ना ही कोई वायरलेस का ऑप्शन दिया गया है। वायरिंग काफ़ी आपको हद तक मैसी लग सकती है कि आप वायर ही वायर लगाए जा रहे हैं, 5.1 चैनल्स दिए गए हैं, सब में आपको वायर के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ रहा है, तो एक थोड़ा बहुत मुझे ड्रॉबैक लगा। अगर एक वायरलेस का ऑप्शन देते तो बढ़िया रहता, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा इनिशिएटिव है। 15,000 रुपये के आसपास आपको एक सोनी ब्रांडिंग चाहिए, परफेक्ट बिल्कुल साउंड बार चाहिए, अच्छा खासा लुक एंड फील के साथ आपको ओवरऑल 3D एक्सपीरियंस भी चाहिए, इसको आप डेफिनेटली कंसीडरेशन में रख सकते हैं। कमिंग टू द फोर्थ ऑन द लिस्ट नाउ, वी हैव द LG SN4 साउंड बार एंड इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 14,000 रुपीज़। ये बिल्कुल मार्केट में थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है। इसमें आपको अच्छा खासा 300 वॉट्स का मैसिव साउंड आउटपुट मिल जाएगा, 2.1 चैनल्स मिलने वाले हैं, एंड प्लस पॉइंट इसमें यह है कि इसमें आपको वायरलेस सबवूफर का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कि आपको कनेक्टिविटीज़ में दिक्कत प्रोवाइड नहीं करेगा। और एक और प्लस पॉइंट यह है कि इसमें आपको DTS वर्चुअल एक्स का सराउंड साउंड इफेक्ट मिलेगा जो कि डॉल्बी डिजिटल से थोड़ा बहुत एनहेंस माना जाता है, आपको बेटर 3D एक्सपीरियंस मिलेगा, सराउंडिंग इफेक्ट मिलेगा साउंड बार के थ्रू। कनेक्टिविटीज की बात करेंगे, इसमें आपको ब्लूटूथ, HDMI, ARC, ऑप्टिकल एंड USB का ऑप्शन मिलने वाला है, ऑक्स का ऑप्शन इसमें भी आपको नहीं मिलने वाला है, थोड़ा बहुत कॉन है मेरी तरफ से, ऑक्स का ऑप्शन तो एटलीस्ट देना ही चाहिए था। एंड अगर आप बात करेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस की, अगर आपको एक अच्छा खासा वोकल्स क्लैरिटी के साथ साउंड बार चाहिए, आपको परफेक्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, डिटेलिंग काफी हद तक बढ़िया आपको मिल जाएगी वोकल्स में और बैकग्राउंड साउंड में भी, और ओवरऑल अगर आपको एक बेस इफेक्ट भी इसमें आपको अच्छा खासा पावरफुल मिल जाएगा, बेस को लेके साउंड को लेके ऐसा कोई इशू नहीं आने वाली, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस में मिल जाएगा। और इसके अगर हम बात करेंगे कॉन्स की, अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे, हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं, तो हो सकता है जो वोकल क्लैरिटी है वो थोड़ी बहुत डगमगाई लगे हायर वॉल्यूम्स पे, आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ओवरपावर करता है वोकल क्लैरिटी को इन हायर वॉल्यूम्स। पर अगर इसको आप 70-80% वॉल्यूम पे भी सुनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगी, 70-80% वॉल्यूम पे भी आप प्रेफर नहीं करेंगे, अगर आपका बहुत ही बड़ा हॉल है तभी आप प्रेफर करेंगे, आपको अच्छा खासा डिटेलिंग के साथ म्यूजिक एक्सपीरियंस मूवी एक्सपीरियंस परफेक्ट मिल जाएगा, इसको भी आप डेफिनेटली कंसीडरेशन में रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। और साथ ही में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा केबल्स चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल आपको HDMI केबल चाहिए, ऑप्टिकल केबल चाहिए, जो कि आपको साउंड बार के बॉक्स के साथ कभी कभी प्रोवाइड नहीं की जाती है, अगर आपको एक्स्ट्रा केबल्स भी चाहिए, जितनी भी पॉसिबल केबल्स आती हैं, अलग अलग एक्सेसरीज आती है साउंड बार के साथ, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए लिंक्स, वहां पर जाकर आप चेकआउट करके देख सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। फाइनली कमिंग टू द फिफ्थ ऑन द लिस्ट, वी हैव द बोट 20 बार 4000 DA। DA स्टैंड्स फॉर डॉल्बी एटमॉस, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस 3D साउंड का टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़। एंड इस प्राइसिंग में आपको मिलेगा 200 वॉट्स का आउटपुट, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कम दिया गया है, ये ड्रॉबैक लगा मुझे पर्टिकुलरली देखा जाए तो। इस प्राइसिंग में आपको एटलीस्ट 300 वॉट के आसपास आउटपुट देना ही चाहिए था, इसमें आपको 200 वॉट्स का आउटपुट मिल रहा है, जिसमें से आपको 140 वॉट्स का साउंड बार मिलेगा और 60 वॉट्स का इसमें आपको वायर्ड सबवूफर मिलेगा, ये भी एक ड्रॉबैक लगा मुझे, इसमें आपको वायरलेस सबवूफर नहीं दिया गया है, वाइड सबवूफर दिया गया है। 15,000 रुपए के हिसाब से थोड़ी बहुत वॉटेज इनको बढ़ानी चाहिए थी, 300 वॉट के आसपास प्रोवाइड करना चाहिए था, प्लस वायरलेस सबवूफर तो देना ही चाहिए था नहीं तो, बट ये थोड़े बहुत मुझे ड्रॉबैक लगे इसमें देखा जाए तो। एंड अगर हम बात करें कनेक्टिविटीज ऑप्शंस की, प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको सारी टाइप की पॉसिबल कनेक्टिविटीज मिल जाएंगी, लाइक ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, ऑप्टिकल, HDMI, ARC, सारी टाइप की पॉसिबल कनेक्टिविटी मिल जाएगी, कनेक्टिविटीज में आपको इशू नहीं आने वाला है, अपने हिसाब से आप कोई भी कनेक्टिविटी ऑप्शन लेके म्यूजिक एक्सपीरियंस मूवी एक्सपीरियंस परफेक्ट तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, आपको अच्छा खासा लुक एंड फील के साथ साथ 3D म्यूजिक एक्सपीरियंस, क्लैरिटी, वोकल्स और बेस अच्छा खासा पावरफुल बूस्टेड मिल जाएगा, तो उसको भी आप डेफिनेटली कंसीडरेशन में रख सकते हैं अगर आपको ज्यादा वॉटेज का आउटपुट नहीं चाहिए, 200 वॉट्स का आपको आसपास आउटपुट चाहिए, बोट ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, इसको भी आप कंसीडरेशन में रख सकते हैं। और साथ ही में मैंने आपको जितने भी साउंड बार बताए सब में आपको एक एडिशनल रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप सारे के सारे फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे, वॉल्यूम, ट्रेबल, बेस, सारी की सारी फंक्शनलिटी आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे और इजी एक्सेसिबल है, सारे के सारे साउंड बार में अच्छा खासा रिमोट कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर हम बात करेंगे पर्सनली मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं यूज़ कर रहा हूँ बोट 20 बार 1700 DA, ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, मैंने उसी टाइम इसको परचेज किया था, अभी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू फील नहीं हुआ है।
इसमें आपको डॉल्बी डिल का सपोर्ट भी मिल रहा है, 120 वॉट्स का अच्छा खासा आपको लाउडनेस मिल जाएगी जो कि मेरे हिसाब से, मेरे रूम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। वाइड सबवूफर का ऑप्शन मिलेगा और अच्छा खासा बूस्टेड और पावरफुल बेस बोल सकते हैं, अच्छा खासा बिल्कुल आपको और पावरफुल और बूस्टेड बेस मिल जाएगा जो कि मुझे पसंद है। सो अगर आपको एक 10,000 रुपये के आसपास एक साउंड बार चाहिए जिसमें आपको डॉल्बी डिल का सपोर्ट चाहिए, इसको भी आप डेफिनेटली कंसीडर में रख सकते हैं, ऐसा मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ है इसमें देखा जाए तो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे के सारे साउंड बार्स की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो या कुछ पूछना हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 5 बेस्ट साउंड बार जो कि आप 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में कंसिडर कर सकते हैं, प्लस जो कि मैं यूज कर रहा हूं वो भी मैंने आपको बता दिया। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।